नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सपने के बारे में बात करने वाले हैं। और वह सपना है कि सपने में यदि आपने सरसों का तेल गिरते हुए देखा है तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ, साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि अगर आप यह सपना देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। दोस्तों, सपने में सरसों का तेल गिरना कोई अच्छा सपना नहीं होता है। जी हाँ दर्शकों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह एक बुरा सपना है। यह सपना आपको इस बात की ओर संकेत करता है कि इस समय आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, आपके मानसिक परेशानियों में वृद्धि हो सकती है। इस समय अगर आप किसी कार्य को करेंगे तो उसमें भी आपको असफलता प्राप्त हो सकती है। सपने में सरसों का तेल गिरना किसी अपशकुन से कम नहीं होता। सपने में सरसों का तेल गिरना किसी भी तरह से एक अच्छा सपना नहीं है। यह सपना शुभ बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप यह सपना देखते हैं तो आपको काल भैरव के मंदिर में जाकर रविवार के दिन तेल का दान करना चाहिए, अथवा आप किसी भी शनि मंदिर में शनि देव के चरणों में तेल अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कष्ट कटेंगे और हो सके तो आपको बंदरों को भी गुड़ और चना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके दुख के दिन जो हैं वो कटेंगे और आप हनुमान मंदिर में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे सारे उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ये सपना दोपहर में सोते हुए देखते हैं तो सपने का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा, किंतु अगर आप यह सपना रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही सपना आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही सपना आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर ही करिए। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। राधे राधे दर्शकों, आप सभी का मंगल हो। आप सभी से दैवी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।